नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों फाइनली हम रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी देखकर आ चुके हैं, जिस पर अगर एक लाइन में हम अपना ओपिनियन शेयर करें तो हाँ, ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे हम हाथ में पॉपकॉर्न लेकर फैमिली के साथ एक अच्छा खासा टाइम इंजॉय कर सकते हैं। बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें जो ऑलमोस्ट ट्रेलर भर से भी क्लियर हो जाता है कि रॉकी एंड रानी को हो जाता है एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार, मगर इन दोनों की लाइफ स्टाइल, रहन सहन और कल्चर में बहुत अंतर। अब ये दोनों एक दूसरे की फैमिली के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए ये दोनों लेते हैं एक डिसीजन कि ये 3-3 महीने एक दूसरे की फैमिली के साथ रहेंगे। इसी के बीच अच्छी खासी कॉमेडी, डिसेंट सा फैमिली ड्रामा, रोमांस, प्यार और बहुत सारा इमोशन देखने को मिलता है। दोस्तों ये है इस फिल्म का मेन प्लॉट। इसके अलावा इस फिल्म के कई सारे सब प्लॉट भी हैं और कई मुद्दों पर बात करते हुए ये फिल्म कई सारे सोशल मैसेज दे जाती है। कुल मिलाकर कहानी ठीक है और एंटरटेनिंग है। चूंकि ये करण जौहर की फिल्म है इसलिए पूरी फिल्म के दौरान एक रईसी देखने को मिलती है। लार्जर देन लाइफ सेट्स, महंगे महंगे कपड़े, वादियाँ और खूबसूरत लोकेशन, एज यूजल करण जौहर की पुरानी फिल्मों का जो सिग्नेचर स्टाइल होता है वो यहाँ पर भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल के बाद करण जौहर का ये 6 सालों के बाद डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इस फिल्म में आपको कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों की झलक साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। और करण जौहर साहब का डायरेक्शन अभी भी किसी भी तरह से इररिलेवेंट नहीं हुआ है। आपको बता दूं इस फिल्म में लीड रोल में हमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट नजर आते हैं जो इससे पहले गली बॉय में भी साथ काम कर चुके हैं। दोस्तों इस बार इन दोनों की केमिस्ट्री उस फिल्म एकदम ही अलग है। यहाँ पर दोनों की केमिस्ट्री एकदम फ्रेश लगती है। ये रोमांटिक रोल में भी जचते हैं और इमोशनल सीन्स को भी पूरी तरह से संभाले हुए रखते हैं। बात करें रणवीर सिंह की तो इनकी पिछली तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म रणवीर सिंह को राहत देने का काम जरूर करेगी। रणवीर सिंह जिस तरह के रोल में नजर आए हैं ये उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी से बहुत हद तक मिलता है। पूरी फिल्म के दौरान बंदे की जो एनर्जी है और उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो बेहतरीन है। वहीं बात करें आलिया भट्ट की तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ये इस फिल्म में बंगाली लड़की के रोल में नजर आती हैं और इन्होंने बंगाली एक्सेंट को बहुत अच्छे से संभाला है। इसके अलावा इस फिल्म में जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र जैसे लेजेंडरी एक्टर्स भी हैं। और इस फिल्म की अच्छी बात ये है कि इस फिल्म में सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर पर ही फोकस नहीं किया गया, इन लेजेंडरी एक्टर्स को भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है और इनकी भी अपनी कहानी है। फिर चाहे वो धर्मेंद्र और शबाना आजमी का अपना एंगल हो या फिर जया बच्चन की अपनी बैक स्टोरी। दोस्तों ये फिल्म करीब करीब 3 घंटे की है जो मेरे हिसाब से थोड़ी लंबी है। इसके अलावा इस फिल्म में 4 से 5 किसिंग सीन भी हैं जो आपको फैमिली के साथ डिसकम्फर्ट फील करा सकते हैं। बाकी फिल्म अच्छी है और इस फिल्म को मेरी तरफ से 3 स्टार्स। तो दोस्तों ये रहा रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी पर हमारा रिव्यू वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इस फिल्म को देखकर आ चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसे लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।